फिरोजाबाद में इन दिनों पुलिस जागृति अभियान चला रही है। होटल गर्ग में एसएसपी सौरभ दीक्षित ने पार्षदों, पूर्व पार्षदों व अन्य लोगों के साथ बैठक कर उनको जागरूक किया। उन्होंने साइबर बुलिंग से बचने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर महिला और बालिकाओं के साथ होने वाले अपराध साइबर बुलिंग कहे जाते हैं। फिरोजाबाद के होटल गर्ग में ऑपरेशन जागृति अभियान के तहत एसएसपी सौरभ दीक्षित ने पार्षदों, पूर्व पार्षदों व अन्य लोगों के साथ बैठक कर उनको जानकारी देकर जागरूक किया। इस मौके पर बताया गया कि यहां साइबर बुलिंग से मतलब है कि सोशल मीडिया पर महिला और बालिकाओं के साथ जो अपराध होता है, जैसे मान लो कि हमें किसी अनजान लड़के ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो हम जनरली उसको बिना जाने पहचाने एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब वह लड़का हमसे मैसेज में बात करने लगता है जबकि हम ना तो उस लड़के का बैकग्राउंड जानते हैं, ना उस लड़के को जानते हैं और ना ही उस लड़के की इंटेंशन को जानते हैं। फिर वह लड़का हमसे बातचीत करने लगता है, हमारी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेने लगता है और धीरे धीरे करके हम उसके ट्रैप में फंस जाते हैं और एक दिन हमें इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इस तरह अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट मत कीजिए। हॉल में ऑपरेशन जागृति के अंतर्गत जो हमारा अभियान चल रहा है ये 3 हफ्ते का, एडीजी जोन आगरा महोदया के मार्गदर्शन पे, उसमें एसपी सिटी और सीओ सिटी आप लोगों के साथ में यूनिसेफ की टीम के द्वारा यहाँ ऑपरेशन जागृति का एक कार्यशाला आयोजित की गई है जिसमें कि महिला अपराधों के विषय में चर्चा, उसमें पुलिस की द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयाँ तथा नवयुवक नवयुवतियों के साथ अभिभावकों की कैसी काउंसलिंग आदि होनी चाहिए, कैसा उनका आपस में पुलिस विभाग के साथ भी तालमेल होना चाहिए, इन्हीं सब विषयों को यहाँ पे परिचर्चा उन पर की गई है। देखिए ये ऑपरेशन जागृति का दूसरा फेज है जो 24 जून से चालू किया गया है और 14 जुलाई तक ये चलने वाला है। वहीं दूसरी ओर जो बालिकाएं या महिलाएं अपनी फोटो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करती हैं, वो भी बिना किसी प्राइवेसी के, तो कुछ अराजक तत्व उस बालिका या महिला की फोटो को एडिट करके या उस पर गंदा कमेंट डालकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करता है, अर्थात वायरल करता है, जिससे उस महिला या बालिका की छवि खराब होती है, जिससे उसके दिमाग पर गलत असर पड़ता है और उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसलिए बालिकाओं को भी समझना होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और फोटो तथा वीडियो को सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के साथ डालें, सावधानी के साथ ही सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें। देखिए इस प्रकार पुलिस बाध्य है किसी भी संज्ञेय अपराध को दर्ज करने के लिए, लेकिन होता क्या है, कई बार ऐसा देखने में आया है कि लोग चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करते हैं जिससे कि जल्दी से एक FIR हो जाए। ये जो अभियान है पूरा इसी विषय वस्तु पर है कि जो सच्चाई के जितने करीब हम लोग रहते हैं उतना उस बात को यकीन करना उस पर आसान होता है, वो विश्वसनीय ज़्यादा रहती है और उसके पुलिस कार्रवाई में कोई अड़चन भी नहीं आती, तो ऐसी कोई बाध्यता वाली बात नहीं। उन्होंने कहा कि यदि किसी महिला के साथ कोई लड़का छेड़छाड़ या अन्य कोई घिनौना अपराध करता है तो ऐसी स्थिति में हम उस लड़के को एक हीन दृष्टि से क्यों देखते हैं, जबकि उसके साथ अपराध तो लड़के ने किया है। ऐसे में हमें उस महिला का सहारा बनना है, उसको समझाना है, उसकी लीगल हेल्प करनी है ताकि वह सम्मान पूर्वक अपना जीवन जिए। सी न्यूज के लिए मुकेश गुप्ता की रिपोर्ट।